नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास रिपोर्ट का। जब बात आती है राज्यों के चुनाव की, तो नेता का संपर्क और स्थानीय मामलों से जुड़ा सबसे अहम माना जाता है। मगर अफसोस कि राहुल गांधी का झारखंड से कुछ हद तक की दूरी बनाए रखना कांग्रेस के लिए बड़ा सरदर्द बन सकता है, खासकर जब बीजेपी ने राज्य में अपनी पैठ मजबूत कर ली हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नेतृत्व क्षमता को चुनौती देने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा हो। कहावत है कि नदी में हाथ डालने से पहले उसके गहरे होने का अंदाजा लगाओ। झारखंड में राहुल गांधी की राजनीतिक उपस्थिति काफी सीमित रही है। ये राज्य जहां आदिवासी और स्थानीय मुद्दे बड़ी भूमिका निभाते हैं, राहुल का प्रदेश से थोड़ा सा अजनबी होना नुकसान देगा सीधे सीधे कांग्रेस को। खासकर अगर हम राज्य की राजनीति में उनकी भूमिका को देखें, तो साफ दिखता है कि कांग्रेस के स्थानीय नेता जैसे कि हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि पर एक सशक्त असर डालते हैं। लेकिन राहुल गांधी के लिए ये गहरी खाई जैसी स्थिति हो सकती है, क्योंकि राज्य के चुनावी माहौल में अगर कांग्रेस को प्रमुख नेता नहीं उतारना है, तो कांग्रेस को सीधे तौर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर चुनावी माहौल में नेता की अनुपस्थिति देखी जाती है, तो जनता के मन में भी यह सवाल उठता है कि क्या वाकई राहुल गांधी को उनकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। वहीं बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झारखंड में केंद्रित कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेता लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी की झारखंड से दूरी उनके लिए बड़ा राजनीतिक संकट बनेगी। कुल मिलाकर वो कहा जाता है ना कि आधे रास्ते में यात्रा छोड़ देने से पहले मंजिल को जरूर देख लेना चाहिए। इसका उदाहरण कांग्रेस को खुद ही अब समझना होगा। पार्टी को झारखंड में अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के साथ साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे बड़े नेताओं को भी जनसभाओं में सक्रिय रूप से शामिल करना पड़ेगा, वरना ये दूरी कांग्रेस के लिए भारी पड़ेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि झारखंड की राजनीति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रभाव गहरा है, लेकिन राज्य में राहुल गांधी की एक सशक्त उपस्थिति और सक्रियता कांग्रेस के लिए राजनीतिक साख को बनाए रहने में मददगार जरूर हो सकती थी। अब सवाल बस यही है, क्या राहुल गांधी झारखंड से इस विपरीत दूरी को पाट पाएंगे, या पार्टी को इस बार भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये तो समय ही बताएगा क्या ये दूरी कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित होगी, या फिर कांग्रेस अपने हाथ से झारखंड को जाने देगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।